अक्टूबर महीना लगभग आधा खत्म हो चुका है, आधा महीना और बचा है और ठंड अब सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो गई है। और हमारे यहाँ हिमाचल में तो ठंड अब ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि इस बार हिमाचल में बारिश बहुत ही ज्यादा हुई है। आप लोगों ने शिमला की न्यूज तो इस बार पढ़ी होगी, हर किसी को पता है कि इस बार हमारे हिमाचल में शिमला में क्या हालत हुई है, कितनी खतरनाक बारिश हुई है, कितना नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पर ठंड बढ़ना शुरू हो गया और इस बार का अनुमान है कि ठंड यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त पड़ेगी, बहुत ही खतरनाक तरीके से हिमाचल में ठंड पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक समस्या जो बहुत ही कॉमन होना शुरू हो गई है ना, अभी से आते हैं मेरे पास अभी से लोगों की एड़ियां फटना शुरू हो गई, उनमें दरारें पड़ रही हैं और उनमें खून आना शुरू हो जाता है और बहुत ही कष्टदायक होता है। कभी कभार तो लोगों को चलना तक मुश्किल हो जाता है, चप्पल पहनना मुश्किल हो जाता है, शूज और वो मोजे तो पहन ही नहीं पाते। अच्छा, फिर वो क्रीम्स लगाना शुरू कर दिए हैं, उन्होंने लोशन लगा रहे हैं लेकिन मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दिए हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा एक दो दिन के लिए आराम हो जाता है, बेटर फील करते हैं लेकिन दोबारा वही सेम सिचुएशन पैदा हो जाती है एक दो महीने बाद, क्योंकि मैंने बताया हिमाचल में ठंड बहुत ही जबरदस्त पड़ती है और इस बार तो रिकॉर्ड्स टूटेंगे ठंड के। अब तो इस बार रिकॉर्ड्स टूटेंगे ठंड के, बाकी हर स्टेट में ठंड पड़ती है लेकिन जितनी ठंड यहाँ पड़ती है ना, आप लोग जो टूरिस्ट होंगे आते होंगे हिमाचल घूमने, उनको पता है कि यहाँ पर कितनी खतरनाक ठंड पड़ती है। ठीक है, आप मार्केट से किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर यूज करते हैं लेकिन आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए, लेकिन जो मेथड मैं बताऊंगा इसके लिए आप लोगों को पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और ये जो तरीका बताऊंगा ये हर घर में उपलब्ध होता है, बड़े चाव से लोग इसको खाते हैं। क्या बोला मैंने, इसको खाते हैं लेकिन एड़ियों पर नहीं लगाते हैं। मैं बताऊंगा एड़ियों पर लगाना कैसे है खाने के साथ साथ, जो मैं आपको इसका नाम बताऊंगा ना ये इतना जबरदस्त है, जब आपको कड़ाके की भूख लगी हो ना आप दो खा लो तो आप लोगों की पेट भर जाता है, भूख एकदम शांत हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में भर भर के इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि खाने वाली चीज को पैरों में भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। वैसे तो आप मैं आज आपको वीडियो में दो तरीके बताऊंगा लेकिन एक तरीका पर्सनल मैं अपने घर पे मेरे मम्मी जी और मेरे दादी जी यूज करते हैं, आपको वो बताऊंगा जो उनको मैंने तरीका बताया है जिससे उनकी एड़ियां जो है फटना बंद हो जाती है, दरारें भर जाती है और खून आना बंद हो जाते हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, दूसरा बाद में बताऊंगा। तो आप लोगों की मर्जी, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप लोगों ने दोनों तरीकों में से किसी एक को अपना लेना है। आप लोगों को इस तरीके को प्रयोग करने के साथ थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी होगी कि आप लोगों को दिन में कम से कम 25 मिनट तक धूप में अपने एड़ियों को गर्म करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है आपको 25 से लेकर 30 मिनट तक धूप में बैठना है और अपने एड़ियों को सूरज की तरफ करके बैठना है, मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपकी फटी हुई एड़ियों पर पड़े। आप लोगों ने दो पके हुए केले लेने हैं लेकिन दो जो बिल्कुल पीले हो चुके हों वो केले आप लोगों ने लेने हैं, फिर उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने हाथ से या किसी मिक्सचर में अच्छे तरीके से मैश कर लेना है ताकि पेस्ट जैसी बन जाए। उसकी पेस्ट जैसी बन गई फिर आप लोगों ने उसको अपने जहां पे आपकी एड़ियां फटी है ना वहां पे उसको लेप लगा लेना है, इस पेस्ट का अप्लाई कर लेना है आपको 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। अच्छा, जैसे आधा घंटा कंप्लीट हो गया उसके बाद आप लोगों को गुनगुने पानी से इसको धो लेना है, ठंडे से नहीं गुनगुने पानी से आप लोगों ने उसको धो लेना है। आप लोगों ने फिर लगातार इस प्रयोग को 3 से 4 दिन तक रेगुलर करना है, आपकी एड़ियां भरना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है और जिन भी लोगों में विटामिन B3 की बहुत ज्यादा कमी होती है उन लोगों की एड़ियां बहुत ही ज्यादा फटती हैं। इस बात का आप लोग खास ख्याल रखना, इसलिए केला खाओ भी, केला एड़ियों पर लगाओ भी। खाने में तो आप लोगों को पता केले हमारा, जब हम केला खाते तो हमारे शरीर को फायदा क्या करता है लेकिन एड़ियों को भी भरने का काम करता है पका हुआ केला। तो आज से आप लोग सिर्फ इसी तरीके को फॉलो करो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, ये पर्सनल घर पे मैं यूज करवाता हूँ अपने मम्मी और अपने दादी जी से, पके हुए केलों को मैश करके अप्लाई करते हैं फटी हुई एड़ियों पर, आराम हो जाता है उनको। तो है ना बिना पैसे का इलाज। अच्छा, दूसरा तरीका
मानो आपकी फटी हुई एड़ियां, जो मैंने आपको तरीका बताया पके हुए केले का पेस्ट लगा के, इससे भी ठीक नहीं होती हैं। आपकी प्रॉब्लम क्रोनिक है, 10-12 साल हो चुके, हर बार सर्दियों में समस्या होती ही है। तो फिर इस कंडीशन में आप लोगों ने माने एक बड़ा सी बाल्टी ले ली, बड़ी बाल्टी जिससे आप घर पे नहाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, उसको आप लोगों ने आधा गुनगुने पानी से भर दिया। अब उसमें आप लोगों को एक बड़ी कटोरी सेंधा नमक डाल देनी है। अब फिर अच्छे तरीके से घोल लिया उस सेंधे नमक को पानी में, फिर आप लोगों को उसमें पैरों को डुबो के रखना है एड़ियों तक। 15 मिनट के बाद पैरों को निकाला, फिर उसके बाद उसको टॉवल से अच्छे तरीके से साफ कर दिया। फिर दोबारा 5 मिनट बाद दोबारा उस पानी में फटी हुई एड़ियों को डाल देना है, पैरों को दोबारा उस पानी में रख देना है 15 मिनट के लिए। फिर दोबारा 15 मिनट बाद निकालना है, फिर अच्छे तरीके से साफ कर लिया। उसके बाद आप चाहे तो किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं एड़ियों के ऊपर। दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तो आप लोग दोबारा रिवर्स करके देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। बिना पैसे का इलाज, घरेलू नुस्खों के द्वारा, घरेलू उपचार, घरेलू उपायों के द्वारा। तो अब आप लोग जैसे जिन लोगों को समस्या पैदा हो चुकी है, या नवंबर में तो अब ठंड ज्यादा पड़ेगी, उनको पता नहीं होता कि कैसे घर पर भी हम फटी हुई एड़ियों को ठीक कर सकते हैं। और 25 मिनट तक आप लोग को जैसे मैंने बताया सूरज की रोशनी फटी हुई एड़ियों पर पड़नी चाहिए, आप लोगों ने इनको भी फॉलो करना है। तो आज से आप लोग घबराइए मत, शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। कोई फटी एड़ियों को छुपाओ नहीं बल्कि दिखाओ। जैसे जैसे भरना चालू होंगी ना, आप लोग नंगे पैर कहीं पर जाओ, शादी में नंगे पैर घूमो, लोग देखेंगे भाई क्या फटी हुई एड़ियां थी यार, इसकी एड़ियां देखो कितनी मुलायम है, जैसे रेशा हो, रेशे जैसी मुलायम इसकी एड़ियां बन गई हैं भाई। और पक्का आपसे वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई आप मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करते हैं, तो आप बताना फिर उनको, आप उनको समझाना या वीडियो शेयर कर देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है, सीखने को मिलता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।